संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, अभी तो मुस्लिम शहरों में भी बाबा ने अपने बच्चे छोड़े नहीं, निकाले ही है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तो मुझे पहचानते नहीं, पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप तो बच्चों को पहचानते हैं ना। तो आपको सबको नशा क्या है, हम ही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे थे और अब फिर से बाबा ने अपना बना दिया। हमारी दिल भी सदा क्या कहती है, वाह बाबा वाह। जब भी बाबा याद आता तो क्या दिल में आता, वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया। तो हम तो बचपन से ही बाबा के पले हैं। ऐसा बाबा सचमुच लक्ष्मी नारायण, ऐसा बाबा वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो राजा थे ना, विश्व के राजा, और हमारा बाबा भगवान। तो नशा है ना बाबा का, है कांधे लाओ कांधे लाओ। तो हमको बाबा, हमको तो यही नशा है कि शुरू से ही बाबा हमको चेतन ठाकुर कहता था, रवाजी बच्चे नहीं कहता था, बाबा कहता था ये मेरे चेतन ठाकुर है। उसका मिसाल सुनाती हूँ, भक्ति में क्या होता है, हर एक भगत समझता है, तो जो भी नई चीज निकलती है ना, तो पहले हमारे भगवान के, वो तो सबको भगवान कह देते हैं, हमारे देवता के मुख में जाना चाहिए। तो हम जब छोटे थे तो बाबा हमें हमेशा चेतन देवता के रूप में ही देखते थे, ये चेतन मेरे देवता है बच्चे। तो जब नया कोई फल या ऐसी कोई चीज निकलती थी ना, तो बाबा को इतने हम बच्चों से प्यार था, मंगाते थे। बाबा कहते थे बच्चे वो भगत मंगाते तो है देवता को खिलाने के लिए, लेकिन वो तो खाते नहीं है, खाते तो फिर जो पुजारी होते हैं, सेवादारी होते हैं, वो ही खाते हैं। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, वो तो खाने वाले हैं। तो वैसे तो पहले बाबा कोशिश यही करता था
कि पहले मेरे बच्चों के मुख में जाना चाहिए, क्योंकि यही चेतन ठाकुर है। और बाबा क्या प्यार से खुद काटता था, जो फल आता था वो बाबा खुद काटता था, और हमारे क्लासेस लगते थे रिसेस के समय, बाबा खुद बाल्टी में फल डाल करके ले आता था। और कटा हुआ फल, बच्चे तो छोटे थे ना, तो ऐसे बाबा बिठा के वहां के अंदर, और एक एक बच्चे को अपने हाथ से खिलाता था। कहता था मेरे ठाकुर तो चैतन्य है, वो तो जड़ चित्र है, मेरे ठाकुर तो चैतन्य है तो यही खा सकते हैं। सुबह को हम ड्रिल करते थे, ऐसा बाप कोई को मिलेगा तो ड्रिल करने के टाइम गुड मॉर्निंग करने, बाबा एक एक से गुड मॉर्निंग करता था। रात्रि के टाइम हम सोते थे, जब तैयार होके बैठते थे तो एक एक से बाबा गुड मॉर्निंग करने आता था। बताओ ऐसा बाप मिलेगा किसको? ऐसा हमारा बाबा है। और बाबा की एक विशेषता थी जो बाबा को बहुत खुशी होती थी, बच्चे तुम बिन बिन विरखे की डाली मेरे पास आए, लेकिन मुझे क्या बनाना है तुम्हें, एक चंदन का वृक्ष बना। बाबा को कोई बच्चे की शिकिल थोड़ी खुशी कम हो ना, बाबा को पसंद नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुनाती हूं। बाबा दूर से ही बच्चे को बुलाता था, बच्चा तो खुश हो जाएगा बाबा बुला रहे, और बुला करके ये कभी नहीं कहता था कि बच्ची क्या है, तुम्हारी शिकिल जैसे क्यों है, क्या है, नहीं, बुला के ऐसे बाह में लेके चलते थे, और कोई न कोई हंसी की बात सुना के हंसा के भेजता था। ये भी नहीं कहता था क्यों बीमार हो, क्या हो, ये भी नहीं कहता था, हंसा के भेजता था बस। बाबा को हमेशा, अभी भी बाबा कहता है तुम्हारा चेहरा कैसे होना चाहिए। उस दिनों में छोटे बच्चे थे तो भी बाबा कहता था, बच्चे तुम्हारा चेहरा कैसा खुश मिजाज होना चाहिए, जैसे खिला हुआ गुलाब होता है ना, खिला हुआ गुलाब, ऐसा तुम्हारा चेहरा होना चाहिए। वो कब हो सकता है, जब हमारे अंदर खुशी होंगी ना। अभी भी बाबा कहते हैं तुम्हारी सेवा, चलो मुख से नहीं भी कर सकते हो, लेकिन चलन और चेहरे से तो सभी सेवा कर सकते हो ना। अगर किसका खुश मिजाज चेहरा देखेंगे तो अवश्य दिल में आएंगे इसको कुछ मिला है। कोई गरीब होता है उसको लॉटरी मिल जाती है छोटी मोटी,
उस दिन उसका चेहरा कैसा होगा, दिखाई देते हैं ना इसको कुछ मिला है, तो हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए? परमात्मा हमारा बाप, परमात्मा हमारा टीचर, परमात्मा हमारा सतगुरु। बाबा कहता था देखो जीवन में ये तीन संबंध मेजॉरिटी आवश्यक है, लेकिन बाबा को इतना बच्चों से प्यार है तीनों के पास अलग अलग जाने नहीं देता, बाबा एक में ही तीन है। पिता का वर्षा देता है, शिक्षा शिक्षक बन के शिक्षा देता है, और सतगुरु बन करके रोज हमको वरदान देता है। ऐसा कोई गुरु होगा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे? गुरु तो कहता है पहले कांद ऐसे करो फिर वरदान मिलेगा, लेकिन हमारा बाबा देखो कितना रहम दिल है जो पोस्ट में ही वरदान भेजता है। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा।